हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम गोले और अर्धगोले के आयतन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर का अध्ययन करेंगे। मानस, इस बार तो मैं छक्का मार कर ही रहूंगा। ये कहकर थॉमस ने जोर से बल्ला घुमाया और गेंद सीधा एक बर्तन में भरे पानी में जा गिरी। ओहो थॉमस, देखो तुम्हारे छक्के ने तो यहाँ मेज पर ढेर सारा पानी गिरा दिया। अब इसे पोछेगा कौन? मैं इसे पोछूंगा यदि तुम मेरे एक गणित के प्रश्न का उत्तर दो तो। मंजूर है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस गेंद का आयतन कितना है? अरे ये तो बहुत आसान है। चलो इसका उत्तर मैं तुम्हें गणित के द्वारा बताऊं। ये गणित का समय है। पहले हम इस बर्तन को फिर एक बार पूरी तरह पानी से भर लेंगे। साथ ही हम एक इस तरह की बड़ी नांद लेंगे जिसमें हम इस बर्तन को रखेंगे, और हमें एक नापने वाले बेलन की आवश्यकता भी होगी। अब देखो मैं इस गेंद को सावधानी पूर्वक इस बर्तन में डालूंगा। फिर से? हाँ, घबराओ नहीं। जैसा कि तुम देख रहे हो, बर्तन में से कुछ पानी निकलकर नांद में भर गया है। अब क्या तुम इस नांद में भरे पानी को सावधानी पूर्वक इस नापने वाले बेलन में डालकर मुझे इसका नाप बता सकते हो? ये लगभग 180 मिलीलीटर है। ठीक है। अब देखो थॉमस, गेंद की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। क्या तुम 4/3 पाई और गेंद की त्रिज्या के घन के गुणनफल का मान ज्ञात कर सकते हो? बिल्कुल। देखो मैं इसे कैसे झट से हल कर लेता हूँ। अरे ये क्या, ये 179.67 यानी लगभग 180 मिलीलीटर के ही बराबर है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि गेंद इस बर्तन में कुछ जगह घेरती है, और जितनी जगह गेंद इस बर्तन में घेरती है उतना ही पानी बर्तन से छलक कर नांद में जमा होता है। और जैसा कि तुम जानते ही हो, किसी भी वस्तु द्वारा घेरी गई जगह उसके आयतन वॉल्यूम के बराबर होती है। इसलिए गेंद का आयतन बर्तन से छलके पानी के नाप के बराबर है। और देखो थॉमस, गेंद गोलाकार है, और तुमने अब भी देखा कि इसका आयतन वॉल्यूम 4/3 पाई और गेंद की त्रिज्या के घन के गुणनफल के मान के बराबर है। यदि हम मान ले कि गोलाकार गेंद की त्रिज्या आर है, तो हम किसी भी गोले के आयतन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के सूत्र को इस तरह से लिख सकते हैं। अरे वाह मानस, और अर्धगोला तो गोले का आधा होता है ना? इसका मतलब हम अर्धगोले के आयतन वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के सूत्र को इस तरह से गोले के आयतन को 2 से भाग करके इस तरह से लिख सकते हैं, जहां आर अर्ध गोले की त्रिज्या है। अरे वाह, चलो मैं जल्दी से इन दोनों सूत्रों को गणित की सूत्र पुस्तिका में लिख लेता हूँ। देखो थॉमस, मैंने तुम्हें तुम्हारे प्रश्न के उत्तर के साथ साथ 2 नए सूत्र भी बता दिए। अब चलो हम अपनी दुनिया में लौट चले, और क्योंकि तुम शर्त हार गए, तुम्हें मेज पर गिरा पानी भी तो पोंछना है। इस वीडियो में हमने गोले और अर्ध गोले के आयतन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर का अध्ययन किया। हमने सीखा, एक, आयतन वॉल्यूम क्या होता है। 2, गोले और अर्ध गोले के आयतन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर कैसे ज्ञात करें। अगले वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे।